प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर एनएच 80 के मरम्मतीकरण की मांग को लेकर जिला परिषद ने 5 दिसंबर से की आंदोलन की चेतावनी। जर्जर हो चुकी भागलपुर एनएच 80 के मरम्मतीकरण की मांग सहित 5 मांगों के समर्थन में सबौर उत्तरी के जिला परिषद महेश यादव के नेतृत्व में 5 दिसंबर से सबौर के ममलखा में जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान भारी गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। भागलपुर के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर जिला परिषद सदस्य महेश यादव ने यह जानकारी दी। इस दौरान जिप सदस्यों ने बताया कि 18 नवंबर को भागलपुर के जिला अधिकारी प्रणव कुमार डीटीओ और सीनियर एसपी को भी एनएच की मरम्मति और ओवरलोडेड गाड़ियों की परिचालन के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानियों सहित 5 मांगों के समर्थन में आवेदन दिया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन को 15 दिनों के अंदर एनएच के मरम्मति कार्य शुरू नहीं किए जाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अब तक जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ 5 दिसंबर से सबौर के ममलखा एनएच 80 पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरोज कुमार सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। जो हमारी जनता की समस्या है, जो त्राहिमान है, रात दिन, चाहे दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जाम बराबर रहता है। या जाम होने का कारण एक तो रोड खराब है, गर्दा उड़ता है और ओवरलोडिंग इतना आता है ट्रक जहां मन तहीं खराब हो जाता है। उस ओवरलोडिंग के कारण से रोड खराब होता है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। देते भी हैं योजना, रिपेयरिंग का भी दिया उनसे, तो इलेक्शन के पहले कुछ रिपेयरिंग हुआ, लेकिन सबौर इंजीनियरिंग कॉलेज तक इसके बाद आगे रिपेयरिंग हुआ ही नहीं। बहुत परेशान है हमारा जनता, एक्सीडेंट बराबर होते रहते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से बात हो, जाम के कारण से हो, ओवरलोडिंग के कारण। ड्राइवर चाहता है कितना जल्दी हम निकल जाए, उस कारण से एक्सीडेंट बराबर होते रहता है। रोड इतना खराब है, रोड में पत्थर है, पत्थर पर मोटरसाइकिल जैसे 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 जो है मोटरसाइकिल जाता है, फेंका जाता है, फेंका गया, एक्सीडेंट हो गया। और धूल एक्सीडेंट होने का कारण क्या है, जो गर्दा उड़ता है, पूरा गर्दा, उस गर्दा के कारण से मोटरसाइकिल वाले के आंख में चला गया गर्दा, वह दिखाई उसको पड़ता नहीं। साइकिल वाले के वही हाल है, टेम्पो वाले का वही हाल है। ये बहुत परेशान है लोग का। एक बार जिलाधिकारी को भी लिख के दिए 18 तारीख को, कोई सुनवाई नहीं। डीटीओ महोदय को कई एक बार ओवरलोडिंग को आप सुधार कीजिए तो रोड मेरा खराब नहीं होगा। रोड खराब होता है तो गाड़ी खराब होता है, गाड़ी खराब हुआ तो रोड जाम हुआ। इसलिए हम आग्रह करते हैं जिलाधिकारी को, डीटीओ महोदय को और हमारे एसपी साहब कि आप इस पर अविलंब सुधार करें। अभी तक नहीं किए हैं, मैं 5 तारीख को इसलिए मैं तय किया हूँ कि मैं जन आंदोलन जनता के हित के लिए मैं बात रख रहा हूँ। हम 5 तारीख को, 5 दिसंबर को ममलखा उच्च विद्यालय के पास एनएस पर हम लोग जन आंदोलन करेंगे और रोड पर ही बैठ जाएंगे। वो निश्चित होगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसको जो है नहीं छोड़ेंगे, जन आंदोलन चलते रहेगा। 5 तारीख को, 5 दिसंबर को हमारी 5 मांगे हैं। पहला मांगे हैं कि ओवरलोडिंग बंद कीजिए, जो कि हमारी रोड खराब होती है। दूसरा मांगे हैं सड़क पर जो है मरम्मती हो। तीसरा मांगे हैं दिन में ट्रक नहीं चले। चौथा मांग है कि जो वन वे है, वन वे से इस सबौर तरफ से घोगा जाने तक यह बंद है, वन वे है, लेकिन बराबर ट्रक चलते हैं, दिन में भी चलते हैं, यह हो जाए। और जब तक मेरा रोड रिपेयरिंग नहीं हो तब तक जो है पानी की छिड़काव हो, सुबह शाम दोपहर की मेरा हो। जी धूल जो है, धूल बहुत, धूल रोड के बगल में घनी आबादी है,
आदमी का तो खराब होता ही है, फेफड़ा खराब होता है, टीबी की बीमारी है, गाय माल की परेशानी है, गाछ वृक्ष देखिएगा नहीं लगेगा कि गाछ वृक्ष जो है मुरझा गया है उस गर्दा से, सबके ऊपर वृक्ष के ऊपर भी इतना गर्दा है कि सब घर में गर्दा है, ये धूल इतना उड़ता है कि बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। लंबे समय से एनएचएससी की जो दुर्दशा है, यह जो है एनएच की बात भी बात रखे हैं सर, हम लोग एनएच की बात जो रखे हैं बहुत परेशानी है, इस पर ध्यान दीजिए। ये ठीक है देखते हैं कब से ऐसे हो रहा है देखते हैं, पहले भी हम कई बार मिले हैं, दिन को अल्टीमेटम दिए थे 15 दिन कुछ बताया, ये तो हम आवेदन में लिख के दिए हैं क्या कि आप 15 दिन के अंदर 5 तारीख के पहले सुधार अगर होता है तो ठीक है, सुधार नहीं होगा मैं जन आंदोलन करूंगा। आप लोग 5 तारीख से यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप अनिश्चित जी जी शांति रूप से, या जो है जो भी हम लोग आंदोलन करेंगे धरना बैठेंगे शांतिपूर्ण से, किसी सरकारी सेवाओं का कोई भी गाड़ी गाड़ी को डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको जाने के लिए छोटी गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, अग्निशामक हो, पेट्रोल गाड़ी हो, सभी को रास्ता साइड से देने का आदमी रहेगा, अत्यावश्यक गाड़ी जो है केवल वही चलेगा, हाँ, वहां